उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा सीट से नामांकन कर चुके हैं और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अनुप्रिया पटेल उनके साथ उपस्थित रहे हैं। नामांकन के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विपक्ष पर जमकर हमला किया गया है। उन्होंने कहा है कि एसपी, कांग्रेस और बीएसपी सभी का चरित्र एक जैसा है। सिराथू विधानसभा सीट केशव प्रसाद मौर्य की कर्मभूमि रही है। पहली बार वो 2012 विधानसभा चुनाव में यहां से जीत दर्ज की थी और केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना दल एस के उम्मीदवार पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। पल्लवी पटेल बीजेपी गठबंधन में शामिल अपना दल अनुप्रिया पटेल की बहन है। नामांकन से केशव प्रसाद मौर्य ने मंदिर में पूजा अर्चना की है और साथ ही फायर ब्रिगेड के पास होने वाली सभा को संबोधित किया है। कर्मठ और अत्यंत जनप्रिय उप मुख्यमंत्री जो इसी धरती के लाल हैं और उनके चेहरे से इस मिट्टी का एक एक व्यक्ति परिचित है, वो आपके आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी मेरे भाई, उनके नामांकन पत्र के दाखिल होने के अवसर पर मुझे यहाँ आने का ये मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य।